गुड इवनिंग, राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का सेट नंबर 4 आपका चलेगा, जो आपको सीसेट, बीपीएससी पीटी, उत्तर प्रदेश पीटी, अन्य सभी राज्य का जो भी लोक सेवा आयोग है उन सब की परीक्षा, इसके अतिरिक्त एसएससी, रेलवे, दारोगा, शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, इन सब परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो है वह रैंकिंग का है। 24 विद्यार्थियों की कक्षा में एक छोर से राकेश 17वें स्थान पर है और दूसरे छोर से सुदेश 17वें स्थान पर है। यानी एक आदमी एक छोर से, मान लो इधर से राकेश 17 नंबर पर है, टोटल अगर आपके पास 24 है, ऊपर से 17 होगा तो नीचे 7 बचेगा। यहाँ से यहाँ 17 है तो नीचे 7 बचेगा, 17 7 24। और ये जो सुदेश है वो नीचे से 17 है तो ऊपर 7 बचेगा। तो ये बताइए, यहाँ पर ऊपर में 7, सुदेश 8, ये 7 और ये 8, तो 8 8 16, बीच में 8 हो गया। तो 7 1 8 8 16 1 17 7 24 7 1 8 8 16, ये 17वां हुआ, 7 24। क्वेश्चन है दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 8 रहेगा। एक समूह में 12 व्यक्ति कीबोर्ड बजाते हैं, ये कीबोर्ड है आपका, यहाँ 12 आदमी है। 10 व्यक्ति ड्रम बजाते हैं, ये ड्रम का है 10 आदमी। 8 व्यक्ति गिटार बजाता है, एक और कैरेक्टर आ गया, 8 आदमी गिटार। 2 व्यक्ति तीनों बजाते हैं, ये 2 व्यक्ति तीनों बजाया। 7 व्यक्ति कीबोर्ड और ड्रम बजाते हैं, बोले कीबोर्ड और ड्रम ये हो गया, ये दोनों मिलकर 7 है तो यहाँ 5 जाएगा। 2 व्यक्ति केवल ड्रम बजाते हैं, ये 2 व्यक्ति केवल ड्रम बजाएगा। तो ड्रम में 10 आदमी में देखिए, 2 5 2 7 2 9, ये 1 10 हो गया, इधर का पोर्शन निकला। 4 व्यक्ति गिटार तथा कीबोर्ड बजाते हैं, गिटार और कीबोर्ड ये दोनों मिलकर है, ये मिलकर के 4 है, इसमें 2 यहाँ तो 2 यहाँ, तो गिटार में 2 2 4 1 5 3 8, कीबोर्ड में आपको 12 चाहिए, 5 2 7 2 9 3 12। क्वेश्चन है कितने व्यक्ति केवल गिटार बजाते हैं, तो आंसर हो गया 3 आदमी जो केवल गिटार बजाएगा। 21 23 44 31 32 36 41 41 क्वेश्चन मार्क, यहाँ 2 बढ़ गया तो वहाँ पर कुछ बीच का नंबर 22 है, उसका दुगना है, इसमें बीच का नंबर वाला है नहीं वो चीज़। तब इसको जब नंबर के बेसिस पर काम नहीं करने लगे तो अंकों के आधार पर चलिए। इसमें 31 32 36 है दिया, इसका लास्ट जोड़ेंगे तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, इसका लास्ट जोड़ेंगे इसका फर्स्ट हो जाएगा, तो इसका लास्ट जोड़ेंगे तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे मेंबर को देखिए, इसका फर्स्ट जोड़े 4, यहाँ 4, इसका फर्स्ट 3 और 3, ये 6, तो ये 4 और 4 जोड़ेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, आंसर 28। राजू तथा रवि मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ये राजू है और ये रवि है, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। राजू अकेले उसी कार्य के तीन चौथाई कार्य को राजू अकेले, देखिए अगर 3/4 यानी 3 पार्ट को 15 दिन लगाएगा तो 4 पार्ट करने में उसको 20 दिन लग जाएगा। जब वो आदमी 3/4 काम करने को 15 दिन लगाया तो एक पूरा काम करने के लिए वो अगर चलिएगा तो 15 × 1/3, ये 4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 5 × 20 हो गया, ये 20 दिन लगाएगा। ये 20 और 12 का एलसीएम होता है 60, 12 × 5 = 60, 20 × 60, यानी राजू और रवि का मिलाकर एक दिन में 5 काम करता है, राजू अकेले एक दिन में 3 काम करता है, तो रवि अकेले एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो दोनों मिलकर के 5 काम कर रहा था।
60 काम करने के लिए एक दिन में दो काम करता है, तो 30 दिन में वो अकेले पूरा काम कर लेगा। तो रवि अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। कहा गया कि कौन सा इसमें नेचुरल नंबर है जो आपका स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। देखिए, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में जीरो है, उसका स्क्वायर नंबर जब भी जाएगा तो जीरो ही रहेगा। जो वन होता है उसका वन रहेगा, जो टू रहेगा, 2 गुना 2 ये 4, 3 गुना 3 9, फिर 4 गुना 4 16 का 6, हाथ में 16 का 6, लास्ट डिजिट 6 रहेगा। 5 का 25 5 रहेगा, 6 का 36 6 रहेगा, 7 का 49 9 रहेगा, 8 का 64 आपका, फिर 4 रहेगा, 9 का 81 1 होगा। तो इस केस में लास्ट डिजिट ध्यान दीजिएगा, आपका 6 भी है, लास्ट डिजिट आपका 4 भी है, लास्ट डिजिट 1 भी है, लेकिन लास्ट डिजिट 8 नहीं है। तो स्क्वायर के लिए एक तरीका है, बड़ा सिंपल है आपका, कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अंतिम डिजिट होता है आपका वो 0 1 4 9 6 5 यही रहता है आपका। इस केस में कभी भी आपका लास्ट डिजिट जो है वह 8 नहीं होगा, वो आपका 7 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये सब नहीं जाएगा। तो आंसर आपका ये था 8 जो था। एक सीरीज चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा ये आपसे पूछे। यू वी W घूमने गया X, YZ घूमने गया A, तो इस बार कोई घूमने नहीं गया था, यहाँ एक यहाँ दो, तो इस बार 3 घूमने जाएगा, B, C और D। आंसर E से शुरू होगा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। सेकंड मेंबर देखिए, सेकंड में S है, T लगातार 0 गैप, T के बाद 1 गैप, U V आ गया, फिर आपका W X 2 गैप है, तो 3 गैप होगा, Z A और B C आएगा। C आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये टिक कर दीजिए, आगे चेक करने का नहीं जरूरत। सभी खिलाड़ी गायक हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं खिलाड़ी और सभी खिलाड़ी को हम गायक बनाते हैं, फिर सभी गायक बोला हम नर्तक बनेंगे, हमने ये नर्तक बना दिया, और फिर सभी खिलाड़ी को आप क्या कीजिए, अब चित्रकार बना दीजिए, सभी खिलाड़ी को ले जाकर ऐसे चित्रकार बना दीजिए। अब आपसे कहा गया कौन इसमें करेक्ट है बतलाओ। देखिए, जब ऐसे चित्रकार बनेगा तो कुछ गायक तो चित्रकार बनेगा ही बनेगा, ये करेक्ट। सभी नर्तक खिलाड़ी है, कुछ नर्तक खिलाड़ी है, सभी हो सकता है, एक संभावना है, सभी नर्तक चित्रकार है, नर्तक चित्रकार में थोड़ी दोस्ती दिख रही है, ऑल नहीं दिख रही है, कुछ चित्रकार गायक नहीं है। ये अगर आप सभी खिलाड़ी को चित्रकार बनाते तो आप चित्रकार यहाँ भी छोड़ सकते थे, वैसे केस में सारा चित्रकार गायक हो जाता, इसलिए यह भी गलत हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बास्केट ए में 15 आम है, 15 मैंगो, और बास्केट बी में 5 किलोग्राम मैंगो है। तो क्वेश्चन कहा गया कि ए और बी में मैंगो का रेशियो क्या होगा बतला दो। रेशियो का एक बेसिक कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ का यूनिट सिमिलर होना चाहिए, 1 किलोग्राम तो ये भी किलोग्राम, लेकिन ये किलोग्राम में नहीं, ये संख्या में दिया गया है। जैसे आप मैंगो और मैंगो कैंसिल कीजिए, ये 5 से कटेगा 3, ये 1, तो यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 1 किलोग्राम बच गया, इधर तो किलोग्राम था ही नहीं जो कटेगा, यहाँ पर संख्या दी गई थी मैंगो की, यहाँ पर उसका वजन दिया गया, तौल दिया गया था। अब 5 किलोग्राम में आपका 32 मैंगो चढ़ता है कि 45 चढ़ता है कि 65 चढ़ता है या 12 मैंगो चढ़ता है, ये कहाँ दिया हुआ है, ये तो क्लियर हुआ ही नहीं। इस कारण से इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जब भी रेशियो का पोर्शन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा जो यूनिट आपने यहाँ लिया है वही यहाँ भी रहना चाहिए, तभी वो यूनिट कैंसिल होता है, तो नंबर का केवल रेशियो होता है। इसमें आपके इस क्वेश्चन में कहा गया कि सभी एक अंक का मतलब 0 से चलेगा और 9 तक आएगा, 2 अंक आपका 10 से शुरू होगा और 99 आएगा, इसके बाद 100 से शुरू होगा, 999 तक चलेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको एवरेज निकाल देना है, यह आपको एवरेज निकाल देना है। आपको क्या होता है एवरेज बतला दो। देखिए, इसमें क्या होता है कि सम ऑफ
ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ये बराबर होता है एवरेज। तो जीरो से लेकर 999 तक नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो 1000 है, और जीरो से 999 आपको जब जोड़ना है तो उसका तरीका क्या होता है कि आप सबसे बड़ा नंबर लीजिए और सबसे छोटा नंबर लीजिए। 999 प्लस जीरो 999, फिर गुना कीजिए, इससे पीछे का नंबर है माइनस वन, तो माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। होता क्या है कि अगर हम एक से चलते हैं तो 999 प्लस 1000, 999 से ये जीरो जो जाएगा वो 999 ही रह जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 999 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1000 बटा दो, ये इनका जोड़ होगा, ये इनका जोड़ आया तो यहाँ पर आया 999 गुना 1000 बटा दो। ये हज़ार हज़ार ऊपर चला गया, कट गया, तो 999 बटा दो ये आपका 499 पॉइंट, ये आपका रहेगा 499.5। ऐसे भी अगर आप ज़ीरो से लेकर के किसी नंबर को लगातार चलते हैं तो उसके इसमें सिंपल तरीका होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका आधा कर दो, सबसे बड़ा नंबर का आधा कर दो, वो आपका एवरेज दे देगा। 11 का 121 तो लगा स्क्वायर है, लेकिन 22 का स्क्वायर नहीं है, 44 का स्क्वायर नहीं है। तो 11 में क्या है ना, एक और एक किनारे रह गया, एक और एक बीच में क्या किया, एक और एक को आप जोड़ दीजिए, एक एक दो, और फिर इसी एक से गुना कर दिया, एक एक दो ये। अब जरा 22 को सोचिए, 22 का दो और दो रह गया, दो और दो जोड़ दिया 4, और उसी दो से गुना कर दिया 8। 44 में देखिए, ये 4 और 4 है, 4 और 4 को जोड़ दिया आपने, ये रहा 8, 4 से जोड़ गुना कर दिया, ये रहा 32। 55 वाले को देखिए, 5 और 5 रहने दिया, ये 5 और 5 को जोड़ दिया 10, और 5 से गुना कर दिया 50। तो जब 88 की बात करेंगे तो 8 और 8 जोड़ेंगे 16, 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 128, यानी 8128, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको काम देगा परीक्षा में। आगे ऐसे ही हम लोग रोज दिन एक एक सेट लेकर चलेंगे।